तक पहुंची हैं और इन्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या हो गया? प्लीज थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाइए. आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सुनने के लिए शिमा से. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू माई मैनेजमेंट सर ताहिर मजीद. थैंक यू सो मच फॉर लॉन्चिंग दिस सिस्टम इन पाकिस्तान. मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पाकिस्तान में ओरी फ्रेम लॉन्च हुआ आज से 10 साल पहले और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे भाई ने सैयद शहीद अहमद. मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोग उनके लिए भरपूर क्लैप दीजिए. उन्होंने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपनी सिस्टर को दी. उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी अम्मी का कि उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआओं में याद रखा. थैंक यू सो मच अम्मी. और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे हस्बैंड अब्दुल हलीम साहब थैंक यू सो मच. और मैं चाहूँगी कि आप लोगों से आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ कि सक्सेस के बारे में जो एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि शायद लकी को ही सक्सेस मिलती है. तो बेशक लक काम करती है लेकिन उसके पीछे आपका है आपका यकीन और मुसलसल हार्ड वर्क और ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो भी अचीवमेंट हैं जो हमारे टारगेट्स हैं जो गोल्स हम सेट करते हैं जिस भी फील्ड में जाएं उनके सीनियर्स आपको मशाले राह की तरह मिलते हैं तो आपने ट्रेनिंग्स को फॉलो करना है. और ये फेम जो है वो बहुत ही सिंपल बिजनेस है. एज अ हाउस वाइफ मैंने इसे स्टार्ट किया आज से 8 साल पहले. और 8 साल पहले मुझे बाकी में नहीं पता था कि बिजनेस मैं कर सकती हूँ या ओरी फ्लेम में मेरी कोई जगह बन सकती है. मैंने इसे सिंपल स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट को यूज़ किया प्रोडक्ट से फ़ायदा हासिल किया और उसके बाद अपने लोगों तक वो फ़ायदे बताना शुरू किए. क्योंकि यहाँ पर हम जितने स्ट्रॉन्ग हैं वो हम यूज़र्स की बेस पे स्ट्रॉन्ग हैं. जितने ज़्यादा हमारे यूज़र्स होंगे ओरी फ्लेम ब्रांड को यूज़ करने वाले उतना ज़्यादा हमारा बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा. और हम ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत अमीर लोगों की करने की चीज़ है. इसे नॉर्मल एवरेज या मिडिल या अपर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते. तो बेसिकली ये हम सबके लिए है. वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डायरेक्टली परचेज करते हैं और जो लोग ब्रांड को लेने की बात करते हैं वो यहाँ डिस्काउंट हासिल करते हैं और जब फायदे होते हैं तो वो दूसरों तक फैलाते हैं. और ये फ्लेम सिस्टमैटिक है. इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि आपके जरिए से कौन कहाँ परचेजिंग कर रहा है. क्योंकि मैनेजमेंट हमें हर पल सपोर्ट करती है आपके एक एक सेलिंग पॉइंट्स पे. आपको नहीं पता होगा कि आप कराची में रहते हुए इस्लामाबाद की टीम को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं. वहाँ पर एक साबुन कोई परचेज करता है तो वो आप तक उसका कमीशन कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रांसफर करे. तो जब इतना कुछ सोचना ही नहीं है सारी सोचें हमारी कंपनी के पास है तो हमें सिंपल काम करना है. जो डायरेक्शन हमें कंपनी ने दी है बस उसको फॉलो करना है. मैंने जो सिंपल स्टेप फॉलो किए वो सार्पियो है. एंड व्हाट इज सार्पियो? इज सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ओरी फ्लेम. कि किस तरह से आप रिक्रूट्स बनाते हैं. एंड रिक्रूट्स का मतलब बहुत सिंपल है. जब मैं किसी कंपनी के एक रिक्रूटर से बात कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम कितने कीमती लोग हैं. कंपनी एक रिक्रूटर को लाखों रुपए तनख्वाह देकर रखती है तो उसके लिए अच्छा मैनेजर या अच्छा कोई सुपरवाइजर तलाश करता है वो पूरे साल में. और हम लोग डेली बेसिस पे रिक्रूट्स करते हैं. इसीलिए कंपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने मेंबर्स को देती है. जो मेंबर्स हम हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे कहने से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं.
सो अपने लिए भरपूर क्लैप करें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. एज अ हाउसवाइफ मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि शायद मैं थोड़ा सा कर पाऊंगी और ये बहुत बड़ा समंदर शायद मैं इसमें तैर भी ना सकूं. लेकिन ओरिफ्लेम ने ग्रेजुअली अपनी ट्रेनिंग के साथ हमें सिखाया. इसके बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई, मैंने फेस की कि बच्चों को कहाँ रखना है, कैसे घर को मैनेज करना है. तो उसमें मैंने मेरी बहन सलवा ज़हीर जो कि सैफायर डायरेक्टर है, मैं चाहूँगी आप उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एक फैमिली और एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए. बच्चों को छोड़ना, बच्चों का ख्याल रखना, मिल के हमने ट्रेनिंग्स कैसे ली, ये बहुत सारा वाकया जो है वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आ जाता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा बेटा 3.5 साल का था. मेरी दोनों बेटियां 8 और 9 साल की थी और मैंने इसको स्टार्ट किया. मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें आगे जा सकूंगी, लेकिन हर रोज नया टारगेट हिट होता था, हर रोज नई खुशी मिलती थी. तो मैंने कहा क्यों ना जो मैंने 10 साल शादीशुदा घर में वही काम करते हुए गुजारा और उसमें कोई अचीवमेंट नहीं मिली, सिवाय ये कि हमें थोड़ी बहुत हैप्पीनेस मिल जाती है, मुतमईन हो जाते हैं कि ठीक है हमने किसी को खुश कर दिया, तो मैंने इसको अनगिनत लोगों तक पहुंचाना शुरू किया. और आज मुझे 8 साल हो गए, स्टिल आई एम वर्किंग. और मैं सिर्फ 3 काम करती हूँ. जानना चाहेंगे वो 3 काम? Yes. ओरिफ्लेम भी कहता है वो 3 काम, शो, इनवाइट एंड अटेंड. और मैं क्या करती हूँ, सेम यही काम आसान और सादा लफ्जों में मजीद आसान. मैं अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हूँ ओरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ, और जो चीज मैं यूज करती हूँ वो मैं दूसरों को बताती हूँ इन फैमिली मीटिंग्स, SMS, कॉल्स और फेसबुक और व्हाट्सएप. सिंपल 3 स्टेप. कौन कौन कर सकता है? यस, हम सब. क्योंकि पहले मैं यही काम बिना किसी कंपनी के कर रही थी और बिना किसी पैसे के बता भी रही थी. तो अब मैंने ये करना है हमेशा, क्योंकि इसमें मुझे ना सिर्फ इज्जत मिलती है बल्कि बहुत अच्छी इनकम और इंटरनेशनल ट्रिप्स. मैंने इन 8 सालों में अनबिलीवेबली 13 मुख्तलिफ ममालिक की सैर की. और अभी रिसेंटली आपने सुना कि हम लोग का अमेरिका का ट्रिप भी विन हो गया है. इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत ट्रिप्स बाकी हैं आप सबके साथ, और इंशाल्लाह ये सफर अभी तो स्टार्ट हुआ है. कहते हैं डायमंड, मैं जब कॉन्फ्रेंस में गई थी, गोल्ड कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर डायमंड की भी सेलिब्रेशन देखी थी और वहां पे कहते सुना था कि डायमंड इज अ हेवन, यहाँ से काम शुरू होता है. तो फिर मैं ये सोच रही थी तो हम 3% और 6% पे इतना खुश होते हैं, तो ये तो कह रहे डायमंड से स्टार्ट है. तो पता है वो क्यों कहते हैं? जानना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त आपकी मंथली इनकम 4 लाख को क्रॉस कर चुकी होती है. यस, यही पैशन मैं वहां से लेकर आई कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है. और आपको पता है मेरी इनकम माशाल्लाह 5 लाख प्लस हो रही है. ये आप सबके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि अपने आज ही से इस सफर का आगाज कर दीजिए और आज ही से वो बीज बोना शुरू कर दें जो आपको 8 से 10 साल बाद फल देना शुरू कर दें. क्योंकि मैंने भी 8 साल पहले ही इसका आगाज किया था. ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से सक्सेस की सीढ़ी पे आ गई. और मैंने अपनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को अब स्टेज पे भी बुलाना है. आप लोगों का साथ चाहूंगी कि मेरी अम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि तुम बहुत सारा पढ़ना और फिर लेक्चरर बनना, तो मैं नहीं पढ़ पाई इतना ज्यादा, जल्दी शादी हो गई. लेकिन उनकी जो दुआ थी वो आई थिंक आप सर ताहिर आप भी बताएंगे. मैं ट्रेनिंग अच्छी दे लेती हूँ. बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है जी शायमा. जब इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं वो सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा कि उस वक्त क्या होता था, लेकिन आज ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती हैं. जस्ट बिकॉज शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ,
She believed in her dreams and then she worked for it. इसने काम किया अपने dreams के लिए और आज इसने अपना पहला dream या इस जैसे और इससे छोटे dreams, लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा ड्रीम अचीव कर लिया है, तो ये हम बात कर रहे थे। तो शायमा आपको एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आपने डायमंड कॉन्फ्रेंस फिन की है यूएस के लिए और इसके साथ साथ हमने एक और चीज जिसको मेंशन नहीं किया, उमरा प्रोग्राम सदर बात में ब्रीफ करते ही आई एम श्योर आप अपने हस्बैंड के साथ उमरा पे भी जाएंगी जो कि और ही क्लेम आपको लेके जाएगा। बट वो प्रोग्राम सिर्फ शायमा के लिए नहीं है, वो प्रोग्राम आप सबके लिए है। और जो अभी हमने यहाँ पे अनाउंस नहीं किया, बहुत जल्द आप अपने एसएम से रब्ता करके उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपका बुलावा लिखा गया है तो ऑरिफ्लेम आज आपके लिए उमरा प्रोग्राम के थ्रू आपको उमरा के लिए ले जाने के लिए वसीला बना हुआ है। दावा दूंगी कि वो स्टेज पर आए और मेरी दोनों बेटियां उनके साथ आ जाए, लाइबा एंड लवीजा। लेकिन मेरे अब्बू के बहुत अच्छे फ्रेंड और मेरे मामू मेरी अम्मी के भाई जो अम्मी से शायद एक साल ही बड़े हैं, दो साल बड़े, ठीक है, और मुझे वो बहुत अजीज हैं क्योंकि वो मेरे अब्बू के बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में अपने मामू को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगी इस बहुत अच्छी खुशी के लिए। आपकी भरपूर तालियों में मुजीब अय्यूबी। बहुत सारी दुआएं हैं क्योंकि मदर की दुआएं आपको पता है कि अल्लाह ताला ने सुननी ही सुननी है, क्योंकि वो आपकी अम्मी होती हैं, वो आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के समेत आपको बहुत सारी दुआएं दे रही होती हैं। लेकिन आपको पता है कि बाप की दुआ ऐसी है कि अल्लाह रद्द नहीं करता, तो मुझे इनकी दुआओं का बहुत ज्यादा वो रहता है कि हाँ, ये मेरे मामू मुझे बहुत ज्यादा दुआ करते हैं और मेरी शादी में भी इन्होंने बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया था और आज ये मेरे साथ मेरे इस बहुत बड़े टाइटल में भी मेरे साथ हैं। आई एम थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सर लाए एंड मैम सर, थैंक यू। नमाज की पाबंदी हो और रिस्क की तलाश हो तो रब कभी नाकाम नहीं करता। मैंने कहा था कि देखते हैं।